हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ शिमला मिर्च रेसिपी। ये हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही यमी लगने वाली है। अक्सर हम इसको ग्रीन कैप्सिकम से बनाते हैं, पर यहाँ पर मैंने आज रेड कलर की ली है, जो दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में भी इसका स्वाद हरी मिर्च से अलग होता है। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बॉयल किए हुए छोटे आकार के आलू लिए हैं, जिनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और शिमला मिर्च जो हमने ली है, इसको गोल आकार में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने आलूओं को मैश करने के लिए एक बड़ा बर्तन लिया है, जिसमें हम सभी आलू डाल देंगे और मैशर की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर देंगे। तो देखिए, आलू हमने सभी आलू को मैश कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ आलू मैंने बचा कर रखे थे। जब हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे स्टफ कर, तो इसको साथ में ही हम फ्राई कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत छोटे साइज के हैं, इसलिए हम इनको ऐसे ही बिना काटे ही इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने छोटा कटा हुआ प्याज लिया है, ये दो कटे हुए प्याज हैं, हम इनको डाल लेंगे। अब इसमें हम मसाले डालते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाइंडिंग के लिए हम इसमें एक बड़ा चम्मच बेसन का डालेंगे। आप इसकी जगह पर मैदा भी यूज कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। अब हाथ की सहायता से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम शिमला मिर्च को काट लेते हैं। हम इसको गोल आकार में काटेंगे। सबसे पहले इसका ऊपरला पार्ट हम निकाल देते हैं। तो देखिए, शिमला मिर्च को हमने पूरा अंदर से बीज इसके निकाल दिए हैं। अब इसको पतला पतला हम गोल गोल काट लेंगे। तो देखिए, सभी शिमला मिर्च को हमने गोल आकार में काट लिया है। कुछ हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो इसका पार्ट होता है वो बच गया था, इसको हमने जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसमें ही बारीक बारीक काट कर डाल देंगे। कुछ मैंने ये छोटे छोटे पीस में काटा है, इसको आलूओं के साथ ही मैं फ्राई कर दूंगी। इसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे। टूम बच गया। अब हम शिमला मिर्च की स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए हम आलू लेंगे, जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसका एक गोला बना लेंगे। यहां पर एक पीस उठाकर इसको बीच में से अच्छी तरह से फील कर देंगे, दबा दबा कर। इसी तरह हम सभी शिमला मिर्च को भर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से इसको फील करना है। इसी तरह हम सभी को कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सभी शिमला मिर्च को अच्छे से स्टफ कर लिया है। अब इनको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। यहां पर मैंने पैन लिया है, पैन में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक कर स्टफ जो शिमला मिर्च कर रखी है उसको डाल देंगे। तो देखिए, तीन शिमला मिर्च को मैंने फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ। ये तीन को मैं तवे पर फ्राई कर दिखाऊंगी, हम इनको तवे पर कैसे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तवा लिया है, तवे पर हम पहले तेल डाल देंगे। तवा गरम है हमारा। अभी इसके ऊपर एक एक करके हमारी जो स्टफ की हुई शिमला मिर्च है उसको रख देंगे और मीडियम आंच पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे।
अब इसको दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं, इसको पलट देते हैं, ध्यान से पलटना है ताकि स्टफिंग हमारी निकले ना। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। इसी तरह हम सभी को गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसको भी हम पलट के देखते हैं। तो देखिए तवे पर भी कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। आप किसी भी में पैन में भी आप इसको फ्राई कर सकते हो, तवे पर भी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह हम सभी को अच्छे से पका लेंगे। तो जिस पैन में हमने शिमला मिर्च को फ्राई किया था उसी में ही हम जो हमने आलू बचा कर रखे थे उनको हम तड़का लगा लेंगे। तेल हमारा गर्म है, ये शिमला मिर्च में से जो बचा हुआ तेल है उसमें ही हम फ्राई करेंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और जो आलू हमने रखे हुए थे वो डालकर इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से क्रिस्पीपन आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक थोड़ा ही डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन मसालों को अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे ताकि मसाले आलू के साथ अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए शिमला मिर्च हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए आलू हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये बन चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही यम्मी सी स्टफ शिमला मिर्च की रेसिपी बनकर रेडी है। आप इसको लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हो। आपके बच्चों को, आपके घर के हर मेंबर को बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।